नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस आर्ट चैनल पर। तो साथियों, आज हम फिर से माँ सरस्वती जी की मूर्ति का कलर कर रहे हैं। पिछली बार हमने पीतल की मूर्ति का कलर किया था और इस बार ये तांबे की मूर्ति है। एक्चुअली ये तांबे की मूर्ति भी नहीं है, लेकिन इस पर तांबे के कलर की कोटिंग की गई है। तो इसे हमें कलर करना है, तो हम इसे किस तरह से कलर करेंगे? बेसिकली दोस्तों, हम जो कलर मार्बल मूर्ति पर यूज़ करते हैं, वही कलर हम इस कॉपर की मूर्ति पर भी यूज़ करेंगे। दोस्तों, ओहो, कितने सारे बच्चे आ गए इस मूर्ति को देखने के लिए। हाय, ओहो हो हो, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं। ओके, यूट्यूब पर चैनल है ना, यूट्यूब पे सब आओगे अभी। आर्टिस्ट बलराम कुशवाहा के नाम से, आर्टिस्ट बलराम कुशवाहा। ये मेटलिक कलर है दोस्तों, जिसे हम पर्ल कलर भी बोल सकते हैं। ये वाटर बेस में है और मेटल मूर्ति में ज़्यादातर हम यही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ये शाइन भी करता है और इसकी ब्राइटनेस और इसका जो हाइलाइटेशन होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए ग्रीन कलर कितना हाइलाइट है, ये भी मेटलिक कलर ही है। इसमें ऑयल पेंट का यूज़ मैं सिर्फ आँखों में करता हूँ, या आँखों में, बालों में, लिप्स पर, बाकी तो हम मेटलिक कलर ही करते हैं इस पर। तो फाइनली माँ सरस्वती जी का जो कलर है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये मूर्ति कॉपर कलर के पूरे बेस में थी, पूरा कॉपर कलर पुता हुआ था, उसको हमने इस तरह से लुक दिया है। दोस्तों, आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना छोटा भाई समझकर मेरा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, काम ख़त्म होने के बाद पास में ही स्विमिंग पूल था, तो मैं थोड़ा सा घूमने के लिए यहाँ पर आया हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों, मुझे ऐसे नेचुरल चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं।